एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग सब्जेक्ट। माय सेल्फ निकिता तिवारी। आज हम बात करने वाले हैं आपका काउंसलिंग राउंड के बारे में। फोर्थ अलॉटमेंट लिस्ट आ गई है काउंसलिंग वाली। काफ़ी सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि वही उन पहले वाले स्टूडेंट्स के ही नाम है, तो देखो पहले वालों के भी नाम है और नए स्टूडेंट के भी नाम है। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट आते हैं, इसलिए मुझे पता है कि कुछ बच्चे और ऐड हुए हैं। ओके, तो अब आपको क्या करना है, तो जिन भी स्टूडेंट का नाम आया है उनको अपने अलॉटेड डाइट जाना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके, अपना जो भी पहले आपको डॉक्यूमेंट्स बताए थे मैंने, अपना मेडिकल हो गया, इसके साथ अलॉटमेंट लिस्ट, जो आपका अलॉटमेंट फ़ीस की स्लिप है जो आप लॉगिन करके निकालेंगे, फ़ीस सबमिट करके, सब कुछ आपको लेके जाना है अपने डाइट में। दो कॉपीज़ लेके जाना है, वहाँ पे सबमिट होगी। ओके, इसके बाद ये जो डेट है आपकी 28 से लेकर 29 तारीख, इन दो डेट के अंदर आपको अपने डाइट में रिपोर्ट करना है, अदरवाइज़ आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने डाइट में एडमिशन ले लिया और आप एंड टाइम पर चाहते हैं कि आपको अपना एडमिशन कैंसिल कराना है, तो आपको जो डेट दी है वो इन्होंने दी है 30 तारीख और 1 तारीख को। 30 तारीख से लेकर 1 तारीख के बीच में आप 17 घंटे के अंदर अपना एडमिशन विड्रॉल करा सकते हैं। उसके बाद जो सीट बचेगी उसमें जो है फिफ्थ अलॉटमेंट लिस्ट जो आएगी वो आएगी आपकी 3 तारीख को। 3 तारीख को लिस्ट आएगी जिसमें कुछ और कैंडिडेट नए ऐड हो जाएंगे और उनका एडमिशन जो है 4 से 6 तारीख के बीच में होगा। ओके, बस दो और लिस्ट आने वाली है, मीन्स एक अभी आ चुकी है और एक और आएगी। तो जिसको भी एडमिशन लेना है, जहाँ भी आ रहे हैं वहाँ ले लो, क्योंकि वैसे भी एडमिशन कराने में बहुत टाइम लगता है और ये ऑथेंटिक डाइट्स हैं आपके, कोई फेक डाइट नहीं है, तो आपको एडमिशन करा लेना चाहिए अगर आपका नंबर आता है तो। बाकी आप दूर पड़ रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो आपको उस हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा, या आप रेंट पे रहें या फिर कोई और। ठीक है, तो अभी आपको मैंने बता दिया ये प्रोसेस है, अभी आपको अपने डाइट में जाके अपना एडमिशन करवाना है। और कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको सीधे SCERT का नंबर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से उनको कॉल कर लेना, क्योंकि अभी मेरा खुद एग्ज़ाम है 30 तारीख को, तो बीच में वीडियो नहीं आएंगी। ओके, उसके बाद मैं 30 तारीख से फिर से कंटिन्यू कर दूँगी शाम से। अभी मैं 2 दिन आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगी, अगर टाइम मिला तो मैं फिर भी आपको बता दूँगी, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी बताने की। लेकिन अगर अभी फ़िलहाल आपको कोई भी दिक्कत होती है और मैं आपको आंसर नहीं कर पाती हूँ, तो आप सीधे डायरेक्ट SCERT कॉल कीजिएगा, ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, आपके एडमिशन में कोई दिक्कत ना। ओके, तो वीडियो कैसे लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताइएगा। थैंक यू।